दोस्तों, एक इंसान आर्ट का इस्तेमाल करके क्राइम करता है, तो वहीं दूसरा इंसान उसी आर्ट का सहारा लेकर अपना रिवेंज लेता है। इन दोनों चीजों में आर्ट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये मूवी इसी स्पेशल आर्ट्स के बारे में लिखी गई है। जैसे जैसे ये मूवी आगे बढ़ती है और क्लाइमैक्स के आते ही पूरी तरीके से इस मूवी की कहानी पलट जाती है। इस मूवी की एंडिंग देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनेशन वीडियोस को रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नाउ लेट्स प्ले द इंट्रो। कहानी की शुरुआत होती है एक शराबी आदमी से, जो हर रोज शराब पीकर अपनी पत्नी को मारता पीटता रहता है। उसी घर में आदि बॉस नाम का एक लड़का रहता है, जो अपने टीनेज में लॉ ऑफ क्राइम के बारे में पढ़ता रहता है। वो अपने घर में हो रहे झगड़े की आवाज सुनकर बाहर आता है और अपने पिता को समझाता है कि उन्हें माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए और वो माँ को ना मारे। लेकिन उसके पिताजी उसको एक थप्पड़ लगा देते हैं और अंदर कमरे में जाने के लिए कहते हैं। अब आदि अपने पिता से बहुत ही ज्यादा तंग आ चुका था, तो इस रोज रोज की झंझट से छुटकारा पाने के लिए आदि अपनी बैट लेकर अपने पिता के सर पर जोरदार वार करता है और उसके पिताजी वहीं पर खत्म हो जाते हैं। उसके बाद आदि खुद ही पुलिस को फोन करता है और अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। और उस दिन रात को 12 बजे आदि की उम्र 18 साल हो जाती है, मतलब कि उस दिन उसका बर्थडे था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आदि कानून के बारे में बहुत कुछ जानता था, इसलिए आदि ने अपने 18 साल होने से पहले ही अपने पिता का कत्ल किया, क्योंकि उसको पता था कि 18 साल से पहले कितनी सालों की सजा मिलती है। अब दोस्तों, ये सारी की सारी कहानी विंसिदा नाम का एक मेकअप आर्टिस्ट हमको सुना रहा था। दोस्तों, विंसिदा के फादर एक मेकअप आर्टिस्ट है जो कि फिल्मों में काम करते हैं, इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री में उनका बहुत बड़ा नाम भी था। अब धीरे धीरे अपने पिता को देखकर विंसिदा ये मेकअप आर्ट का काम सीख जाता है। विंसिदा अपने ही फील्ड में मेकअप को लेकर अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करता रहता है, लेकिन एक दिन उसके पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, जिसकी वजह से अब विंसिदा को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना अकेले ही करना पड़ता है। अपने पिता के गुजर जाने के बाद विंसिदा छोटे मोटे मेकअप के काम करके अपना गुजारा करता है। अब वो अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक दिन शूटिंग स्पॉट पर पहुंच जाता है, लेकिन वो लोग विंसिदा के टैलेंट को पहचान नहीं पाते और उल्टा उसको गलत सलत बोलने लगते हैं। लेकिन विंसिदा भी उस जॉब को उनके मुंह पर ही मारकर वहां से चला आता है। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं, विंसिदा की गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम है जया। ये हकलाते हुए बोलती है, लेकिन इन दोनों में बहुत ही ज्यादा प्यार था। जया हर एक सिचुएशन में विंसिदा को सपोर्ट करती है, चाहे वो खुशी हो या फिर गम। अब दोस्तों, यहाँ हमें दूसरी तरफ तीन क्रिमिनल्स को दिखाया जाता है। एक्चुअली ये तीनों लोग क्रिमिनल्स हैं, लेकिन दुनिया की नजर में ये क्रिमिनल साबित नहीं हुए हैं। नंबर वन पर है श्याम सुंदर जायसवाल। दोस्तों, इसने 2500 करोड़ का स्कैम किया है, लेकिन ये बहुत बड़ा आदमी है और इसके पास पावर होने की वजह से कोर्ट इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। दूसरा है मिनिस्टर का बेटा मानस शाह। एक दिन ये शराब पीकर एक आदमी का एक्सीडेंट कर देता है, लेकिन दोस्तों, जैसा कि ये मिनिस्टर का बेटा है और इसके पास भी पावर होने की वजह से ये भी रिहा हो जाता है। थर्ड नंबर पर आता है सनी सेन। ये भी एक बहुत ही बड़ा आदमी है। इसने एक लड़की का रेप किया था, लेकिन सबूत न मिलने की वजह से कोर्ट इसको भी छोड़ देती है। दोस्तों, उसके बाद हम आदि बॉस को देखते हैं, जिसने मूवी के स्टार्टिंग में बैट से अपने पिता की जान ले ली थी। आदि अब जेल से रिहा हो चुका था और वो बहुत बड़ा भी हो चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक चोर पर्स चुरा कर भाग रहा था। आदि उस चोर को हेल्प करने के बहाने से पकड़ लेता है, लेकिन वो उसको बहुत ही ज्यादा मारने लगता है। आदि अपने आप को सीनियर लॉयर कहता है। और दोस्तों, उसके बाद दाविंसी हमें आदि की कहानी सुनाने लगता है। हम देखते हैं कि जब आदि ने अपने पिता का कत्ल किया था, तो उस वक्त उसे कोर्ट में पेश किया गया था, तो आदि को पागल समझकर उसकी माँ उसे वहीं पर छोड़कर चली जाती है। अब आदि के साथ कोई भी नहीं था। उसके बाद आदि जेल जाता है और जेल में ही वो क्राइम के बारे में स्टडी करने लगता है। थोड़े दिन के बाद आदि जेल से छूट जाता है। उसके बाद वो हर रोज कोर्ट जाता रहता है। कोर्ट में जाकर वो हर एक केस को नोटिस करता है कि क्राइम कैसे होते हैं और बचा कैसे जाता है, मतलब कि दोस्तों, इनडायरेक्टली आदि लॉ की पढ़ाई कर रहा था। अब इसी तरह से आदि दूसरे वकील लोगों की मदद करता है और थोड़े बहुत पैसे भी कमाने लगता है।
दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि आदि को क्रिमिनल लोगों से बहुत ही ज्यादा नफरत है। दोस्तों सच बताया जाए तो ये एक साइको किलर जैसा इंसान है। खैर अब आदि उस चोर को पकड़ कर पुलिस स्टेशन ले जाता है और पुलिस वालों को ही फलाना फलाना केस के अंडर उस चोर को गिरफ्तार करने के लिए कहता है। मतलब कि आदि इंस्पेक्टर को ही ज्ञान देने लगता है। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको जिन तीन क्रिमिनल लोगों के बारे में बताया था उनके बारे में आदि सीक्रेटली इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था। अब ऐसे ही एक दिन आदि विंसिदा के पास आता है और आदि अपने आप को डायरेक्टर बताता है। वो सीधा कहता है कि मैं एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ और मुझे एक आर्टिस्ट की जरूरत है। हमारे फिल्म एक बायोपिक पर आधारित है और वो बायोपिक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन के ऊपर है जिसका नाम है श्याम सुंदर जायसवाल। तुमको उनका एक मास्क बनाना होगा। अगर तुम्हारा काम मुझे अच्छा लगा तो मैं तुम्हारे साथ ही काम कंटिन्यू करूंगा। ऐसा कहते हुए आदि विंसिदा को कुछ एडवांस पैसे देकर चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि विंसिदा जब मास्क को बना रहा था तब आदि उस चीज को अपने फोन में रिकॉर्ड करता रहता है एज अ रेफरेंस पॉइंट के तौर पर। लेकिन दोस्तों सच बताए तो यहाँ पर बात कुछ और ही थी जो कि हमें कहानी में आगे पता चलेगी। खैर अब दोस्तों फाइनली श्याम सुंदर जायसवाल का मास्क बनकर तैयार हो जाता है और आदि बॉस उस मास्क को पहन लेता है। दोस्तों वो मास्क बहुत ही ज्यादा रियल जैसा लग रहा था। उसे पहनकर आदि खुद कंफ्यूज हो जाता है कि कौन रियल जायसवाल है और कौन नकली जायसवाल। दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं रियल श्याम सुंदर जायसवाल खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट आ जाता है। तभी उसके सामने एक न्यूज चलती है कि श्याम सुंदर जायसवाल ने एक बैंक में घुसकर चोरी की और वहां के गार्ड को भी उसने गोली मार दी। उसके बाद वो वहां से पैसे चुराकर फरार हो गया। अब दोस्तों ऑफ कोर्स हमें पता है कि वो श्याम सुंदर नहीं बल्कि आदि था। यहाँ रेस्टोरेंट में ये खबर सुनते ही असली श्याम सुंदर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसके बाद वो अपने लॉयर को फोन करता है और अपने फार्म हाउस में जाकर छुप जाता है। लेकिन दोस्तों पुलिस के इन्वेस्टिगेशन करने के बाद श्याम सुंदर को वो पकड़ ही लेते हैं और उसे गिरफ्तार भी कर लेते हैं। अब दोस्तों दूसरे दिन ये बात विंसिदा को पता चल जाती है। विंसिदा भी ये न्यूज देखकर शॉक हो जाता है। अब विंसिदा को सब कुछ समझ में आ जाता है कि आदि ने उसके आर्ट्स का फायदा उठाया है। तभी वहाँ पर आदि आता है और आदि बहुत ही आराम से वहाँ पर बैठकर चाय पीते हुए विंसिदा को बताता है कि वो श्याम सुंदर जायसवाल बहुत ही ज्यादा खराब आदमी था। उसने बहुत बड़ा कांड किया था। उसकी वजह से कई सारे लोग मारे गए थे और काफी लोगों को बेघर भी होना पड़ा। उसके पास पावर होने की वजह से श्याम सुंदर जेल से छूट गया था। लेकिन मैं एक सीनियर लॉयर हूँ तो ये मेरा फर्ज है कि मैं उसके गुनाहों की उसे सजा दूँ और मैंने उसे सजा दे दी है। लेकिन दोस्तों विंसिदा आदि को उस बैंक में काम करने वाले गार्ड के बारे में पूछता है। उसने उस मासूम गार्ड को क्यों मार दिया। इस पर विंसिदा कहता है कि अरे वो तो एक तरह का सैक्रिफाइस है। ऐसे कामों में थोड़े बहुत लोग मारे जाते हैं लेकिन कई सारे लोगों का भला होता है। तो दोस्तों किसी तरह आदि विंसिदा को समझा लेता है। अब आदि उसे अगला टारगेट बताता है मिनिस्टर का बेटा मानस शाह। अब दोस्तों उसी रात विंसिदा उस मासूम गार्ड के बारे में ही सोच रहा था क्योंकि इस घटना में बेचारे उस गार्ड की खामखा मौत हो गई। लेकिन फिर विंसिदा अपने आप को तसल्ली देने लगता है कि वो जो कुछ भी काम कर रहा है वो सही है। इस काम से दूसरे लोगों का भला हो रहा है। अब इस तरह से सोचते हुए वो आदि को इमेजिन करने लगता है और उसे हेलुसिनेशन होने लगते हैं। अब दोस्तों दूसरे दिन विंसिदा अपनी गर्लफ्रेंड जया से मिलने के लिए जाता है। उसके साथ वो अजीब सी बातें करने लगता है। ये सुनकर जया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी जया विंसिदा से कहती है कि तुम जो कुछ भी करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब दोस्तों विंसिदा के पास थोड़े बहुत पैसे आ चुके थे इसीलिए वो दोनों शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद वो थोड़ा घूमते फिरते भी है। अब यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं मानस शाह को जिसने बहुत पी रखी थी और वो कार ड्राइव करके अपने घर पर जाना चाहता था। लेकिन तभी उसका दोस्त उसे मना करता है कि तुमने बहुत पी रखी है, तुम किसी का एक्सीडेंट कर दोगे और पहले भी तुम एक्सीडेंट कर चुके हो। कार की चाबी मुझे दो, मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन मानस अपने दोस्त की बात नहीं मानता और वो खुद ड्राइव करते हुए अपने घर को निकलता है। जब मानस अपने घर पर जा रहा था तो बीच में रास्ता ब्लॉक होता है। मानस अपनी कार से उतरकर उन ईंटों को हटाने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहां पर आदि आ जाता है। वो मानस से कहता है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं?
लेकिन देखते ही देखते आदि मानस को बेहोश कर देता है। उसे बेहोश करने के बाद आदि उसका मास्क पहनता है और उसके कपड़े पहनकर उसकी गाड़ी से 5 लोगों का एक्सीडेंट कर देता है जो कि फुटपाथ पर सो रहे थे। एक्सीडेंट करने के बाद वो उस कार से उतरता है और वहाँ पर एक्टिंग करने लगता है। वहाँ पर CCTV कैमरा भी लगाए हुए थे और आदि उन कैमरों के ऊपर पत्थर मारकर वहाँ से भाग जाता है। अब दूसरे दिन आदि विंसुदा के पास आता है और उसे रात की सारी घटना बताता है कि कैसे उसने पहले मानस को बेहोश किया, उसके कपड़े पहने, उसका मास्क पहना और गाड़ी ले जाकर कहीं पर ठोक दी और फिर मैंने वहाँ के सारे सबूत मिटा दिए। यहाँ पर विंसुदा आदि से पूछता है कि इस बार किसी की जान तो नहीं गई ना? ये सुनने के बाद आदि कहता है कि नहीं नहीं, किसी की जान नहीं गई, लेकिन एक आदमी जरूर फंस गया है और वो है मानस शाह। दोस्तों उसके बाद पुलिस मानस शाह को गिरफ्तार कर लेती है और उसे सजा भी देती है। लेकिन उसके दूसरे ही दिन विंसुदा को ये बात पता चलती है कि उस एक्सीडेंट में 5 लोगों की मौत हो गई है। ये देखकर उसे अंदर ही अंदर गिल्टी फील होने लगता है और वो फौरन सीधा उस एक्सीडेंट वाले स्पॉट पर पहुंच जाता है। वहाँ का माहौल देखकर विंसुदा को बहुत बड़ा अफसोस होने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़का बत्तियां बेचते हुए विंसुदा के पास आता है और विंसुदा उस बच्चे को 10 रुपए देकर कुछ स्टिक खरीद लेता है। वो बच्चा उसे कहने लगता है कि इस एक्सीडेंट में मेरे पिताजी की भी मौत हो चुकी है, कल रात उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी इसीलिए वो इस जगह पर आकर सो गए थे, लेकिन किसी ने यहाँ पर आकर उनका एक्सीडेंट कर दिया। ये सुनकर तो विंसुदा को और भी ज्यादा दुख होता है और वो उस लड़के के घर पर जाता है। विंसुदा उस औरत को देखकर उसे कुछ पैसे देता है, लेकिन वो औरत उन पैसों को लेने से मना कर देती है। तो बेचारा विंसुदा अफसोस करते हुए वहां से चला जाता है। अब उसी दिन रात को आदि विंसुदा के पास आता है और उसे एक लास्ट काम करने के लिए कहता है, लेकिन विंसुदा उसको मना कर देता है। लेकिन उसकी ना सुनने के बाद आदि उसे ब्लैकमेल करने लगता है कि मेरे पास तुम्हारे वीडियोस है जिसमें कि तुम ये मास्क बना रहे हो, अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं ये वीडियोस पुलिस को दे दूंगा और इन सारे मर्डर में तुम ही फंसोगे। और दोस्तों इसीलिए आदि ने विंसुदा के मास्क बनाते हुए वीडियोस शूट की थी। अब ना चाहते हुए भी विंसुदा को उसकी बात माननी ही पड़ती है। उसके बाद आदि विंसुदा को उसका थर्ड टारगेट बताता है और वो है सनी सेन, जिसने एक लड़की का रेप किया था। ऐसा कहते हुए आदि उसको एक रेफरेंस फोटो देकर वहां से चला जाता है। अब विंसुदा के पास कुछ भी ऑप्शन नहीं था, अगर उसने ये काम करने से मना किया तो आदि उसको खुद मार देगा या फिर उसे पुलिस स्टेशन भेज देगा। तो इधर खाई और उधर कुआ, ऐसी सिचुएशन हो चुकी थी। खैर हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही थी। अब वो वीडियो पुलिस तक पहुंच जाती है और उस वीडियो में सनी सेन ने अपना फेस दिखाते हुए किसी लड़की का रेप किया था ये कबूल किया था। फिर क्या था, अगले ही दिन पुलिस सनी सेन को गिरफ्तार कर लेती है और उसे थाने में 3rd degree देने लगती है। लेकिन सनी सेन अपने पावर का यूज करते हुए वहां से बाहर निकल जाता है। लेकिन दोस्तों अब उसकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल भी बर्बाद हो चुकी थी। सनी सेन की वाइफ उसे डिवोर्स दे देती है और अपने बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। अब दोस्तों एक दिन हम देखते हैं कि विंसुदा खुद आदि के घर पर जाता है और उससे कहता है कि आदि तुमने जितने भी फोटोज और वीडियोस लिए हैं वो मुझे वापस कर दो, क्योंकि अब तुम्हारा तो काम हो चुका है इसलिए तुम्हें इन वीडियोस की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों आदि उन वीडियोस को विंसुदा को नहीं देता, वो उसे मना कर देता है। आदि कहता है कि ये वीडियोस मेरे पास ही सेफ है, अगर तुमने फ्यूचर में मेरे खिलाफ कदम उठाया तो मैं फंस जाऊंगा, इसीलिए ये वीडियोस मेरे पास ही सुरक्षित है। यहाँ तक तुम्हारा काम तो हो गया है लेकिन अब मेरा काम स्टार्ट होगा। अब दोस्तों दूसरे सीन में हमें ये बात पता चलती है कि आदि ने सनी सेन को फंसाने के लिए और किसी के साथ नहीं बल्कि जया के साथ ही गलत काम किया था। आदि ने सनी सेन का मास्क पहनकर जया की इज्जत लूटी और इसका इल्जाम सनी सेन पर आ गया और इसीलिए पुलिस ने सनी सेन को गिरफ्तार करके उसे बहुत बड़ी सजा दे दी। आदि ये सब कुछ बातें विंसुदा को बताने लगता है क्योंकि जया तो उसके लिए बस एक रैंडम सी लड़की थी। उसके बाद विंसुदा आदि से पूछता है कि अगर मेडिकल टेस्ट किया जाए तो ये बात गलत साबित हो सकती है और सनी सेन बेगुनाह साबित हो जाएगा। तो आदि उसको कहता है कि मैंने उस दिन कॉन्डम यूज किया था तो इसके चांसेस बहुत कम हैं। और दोस्तों यहाँ पर सीन फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर विंसुदा अपनी गर्लफ्रेंड जया से मिलने के लिए जाता है। तब जया उस वीडियो को देख रही थी जिसमें उसके साथ गलत काम हो रहा था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और खुदकुशी करने की कोशिश करती है, लेकिन विंसुदा उसे रोक देता है और उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि जया जिसने भी तुम्हारे साथ ये गलत काम किया है ना
मैं उसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा, मैं उसका बदला जरूर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं आदि एक कैमरे के सामने आकर अपने शराब में जहर मिलाकर पी लेता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तो दूसरे दिन वहां पर पुलिस आती है और इस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखकर इंस्पेक्टर को समझ आ जाता है कि आदि एक साइको किस्म का इंसान था, उसका दिमाग सटका हुआ था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। हम देखते हैं कि जब विंसिता आदि के पास आया था तब वो उसे पानी लाने के लिए कहता है और आदि पानी लाने के लिए अंदर चला जाता है। तभी इसी मौके का फायदा उठाते हुए विंसिता सामने रखी शराब में जहर मिला देता है और उस शराब को पीकर आदि की मौत हो जाती है। उसके बाद विंसिता आदि का मास्क पहनता है और कैमरे के सामने आकर जहर पीने का झूठा नाटक करता है और इसी तरह से वो आदि को मारकर अपनी गर्लफ्रेंड जया का बदला ले लेता है। उसके बाद इंस्पेक्टर को कुछ डाउट होता है और बहुत ज्यादा सोचने पर इंस्पेक्टर को ये बात पता चलती है कि उस वीडियो रिकॉर्डिंग के आवाज में डिफरेंस है। मतलब आदि ने जब पुलिस से मुलाकात की थी उस वक्त उसकी आवाज अलग थी और उस कैमरे में रिकॉर्ड हुई आवाज थोड़ी अलग थी। उसके बाद इंस्पेक्टर आदि का लैपटॉप स्कैन करवाता है और उसमें विंसिता के फोटो और वीडियोस मिलते हैं। उन्हें देखकर इंस्पेक्टर को समझ आ जाता है कि आदि को विंसिता ने ही मारा है। अब पुलिस हर जगह पर विंसिता के वांटेड फोटो लगा देती है और उसे ढूंढने लगती है। उसके बाद ये बात विंसिता को पता चलती है, इसीलिए वो अपने आर्ट का इस्तेमाल करके अपना और जया का चेहरा बदल लेता है और वो दोनों एक बूढ़ा और बूढ़ी का मास्क पहनकर उस शहर से फरार हो जाते हैं। और दोस्तों ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।